I am into vastu compliant paintings. My whole methodology for starting vastu compliant painting was to provide healing as well as beautification to the space of the client. A vastu compliant painting enhances the positive energy of each and every direction, and the owner or the person who stays there where the painting is installed, that person can see a lot of growth and a lot of good changes in his life. Thank you. जैसा आपने क्योंकि गदर का जिक्र किया, मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो श्रेय नहीं ले सकता हूँ, सारा श्रेय मैं अनिल सर को देना चाहूँगा, सनी देओल सर को देना चाहूँगा, उत्कर्ष जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। मैं अकेले श्रेय तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। और आज की बात अगर कर रहे हैं हम, जैसे कि राजघराना और हाउस ऑफ क्रिएटिविटी का एक जो कह सकते हैं कि एक मतलब एक मिलन हो रहा है, तो वो है वरुणा के लिए। वरुणा एक एग्जिबिट है क्योंकि ज्वेलरी और आर्टवर्क में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों क्रिएटिव काम होते हैं। जैसे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर जैसे ज्वेलरी में जो डिज़ाइन होता है उसके पीछे बहुत क्रिएटिविटी है। और आर्टवर्क तो मतलब मैं जुड़ा हूँ HOC से काफ़ी समय से, मतलब मैंने ही शुरू किया उसे, तो वही हम लोग को लग रहा था कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं इस बार। और ये एक ज़्यादा मैं कहूँगा कि इट्स मोर इंटीमेट। हमारा पहला शो जो हमने किया था वो लोकस ऑफ कंट्रोल, वो एक बहुत बड़ा शो था। ये एक मोर इंटीमेट शो है, वो कि एक्सक्लूसिव शो है, तो इसलिए हम लोग ने इसको किया है। और मतलब योगेश जी ने बहुत सपोर्ट किया हमें, तो वे वेरी हैप्पी अबाउट दैट। I am more happy to associate with the House of Creativity. हमारे अपने आप के गुड लक समझता हूँ कि लव सर ने हमको ऐसा मौका दिया, और ऑल द टीम ऑफ HOC सबके लिए आई एम थैंकफुल टू एसोसिएट दिस HOC एंड राजघराना द प्रोजेक्ट वरुणा। और वरुणा इज़ आई थिंक एक ऐसी चीज़ है कि हमने जो इनोवेट किया है, तो दिस इज़ समथिंग हमने फ्यूचर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने सोची थी कि भाई क्यों ना हम आर्ट एंड ज्वेल्स को कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसा डेवलप किया जाए। तो एक सर ने हमको ऐसा मौका दिया है तो ये प्लेटफॉर्म पे आए, मे भी शायद इन फ्यूचर आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच HOC टीम, लव सर एंड एवरीबडी, थैंक यू सो मच।
जो लव सिन्हा जी हैं उनका इनिशिएटिव है एंड वो सिर्फ एक बहुत अच्छे कलाकार ही नहीं, क्योंकि वो कलाकार हैं तो आर्ट से बहुत जुड़े हैं, फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक़ रखते हैं और आर्टिस्ट को भी बड़ा मौका देते हैं। तो ये जो उन्होंने इनिशिएटिव किया है, ये जो पूरा इन्होंने एंटरप्राइज चलाई है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और उभरते हुए आर्टिस्ट को हमेशा मौका देना चाहिए। तो एक तो वैसे ही उनके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है, शत्रु जी हैं, सोनाक्षी जी हैं, उनके भाई हैं एंड उनकी तरफ से जब कुछ किया जाता है, उभरते हुए आर्टिस्ट को मौका दिया जाता है, तो वो आर्टिस्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आर्ट को दिखाने का। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही उनका ये एंटरप्राइज बढ़ती रहे, बहुत अच्छा होगा। और क्या कुछ अपकमिंग के बाद कुछ आने वाला? हाँ जी, बस अभी उसी में व्यस्त हूँ एंड इम्पॉर्टेंट बस यही है मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छी कहानियाँ करूँ और वैसा ही काम करूँ, तो बस वही एक्सपेक्टेशन पे वापस उतरना चाहूँगा एंड वही उम्मीद है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं इनकरेज करने आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आर्ट हाउस ऑफ क्रिएटिविटी जो लव ने अपनी टीम के साथ इसको बढ़ावा दिया है, पेश किया है, उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, चारों तरफ इसके जिक्र हो रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट के मामले में और आर्ट एंड कल्चर के मामले में जो इतने कम समय में इतनी तरक्की की है, ये वाकई हौसला अफजाई के पात्र हैं और मैं उसी निगाह से आज या उसी आशीर्वाद के साथ अपने हौसला अफजाई करने आज यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कम समय में। वही मैं तो इतना बड़ा अथॉरिटी नहीं हूँ, हालांकि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, आर्टिस्ट मान सकते हैं आप, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन इन्होंने साथ साथ अपने आर्ट के साथ अपने एक्टिंग के साथ इतने कम समय में इन्होंने जिस तरह से ये पेश के प्रस्तुत किया है, जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इनसे टिप्स ले रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कहाँ कहाँ बिजी हूँ आजकल अपने आर्ट के साथ साथ, पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो ये जब जानना चाहता हूँ, जब ये बताते हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ यहाँ बहुत प्रशंसा हुई है, तारीफ हुई है, चारों तरफ लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा और हमें हिम्मत मिलता है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत बढ़िया लगता है और मैं हमेशा इनको इनक्रेज करता हूँ कि गो अहेड। और आज किया है, आप तमाम लोग तारीफ़ कर रहे हैं, अभी आपने शुरू में इतने बढ़िया से इसकी तारीफ़ की, ये सब समझिए आपने इनकी की या इनके आर्ट की या इनके कलेक्शन की हाउस ऑफ क्रिएटिविटी की, वो आपने एक तरफ से हमारी भी की, कि मेरा लव जो है, हमारा चश्मे चिराग है, लव कुश हमारे बेटे हैं और ये इतना बढ़िया कर रहे हैं तो जाहिर है कि मुझसे माँ बाप से ज़्यादा खुशी और किसको हो सकती है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात करने की या फॉर देट मैटर G20 की बात करने की भी, लेकिन हाँ, चूँकि G20 में दुनिया भर के बहुत सारे मेहमान आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, हालाँकि कुछ बड़े बड़े लोग नहीं भी आए, उसका अफसोस भी है और ताज्जुब भी है कि जहाँ रशिया के नहीं आए, चाहे जिन कारणों से नहीं आए, चाहे चाइना के नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर आए लेकिन जो जिनके आने की अपेक्षा थी वो नहीं आए, ये बातें भी हुई, लेकिन साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति आए, बहुत जगह जगह ब्राज़ील से लेकर हर तरह, और अब तो ये बैटन ब्राज़ील को दे दिया गया है, G20 का ये रोटेशन से चलता है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष थे, बहुत साल पहले इसके अध्यक्ष हमारे यशवंत सिन्हा जी भी थे, ये रोटेशन चलता है, हर मुल्क के लोगों को G20 को अभी बारी बारी से होगा, लेकिन यहाँ पे आया है, आए ये लोग, पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने राष्ट्र अध्यक्ष आए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, यहाँ पे बाहर के राष्ट्रपति आए, ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच का विषय है कि इससे भारत की जनता को, जनता जनार्दन को, उनके किस मामले में ये मीटिंग जो हुई है, ये तामझाम तो हो गया, ये ग्लैमर तो हो गया, ये G20 तो हो गई, अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की जनता पे, हमारे गरीबों पे, हमारे किसानों पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, महंगाई के मामले में या बेरोज़गारी के मामले में या ऊर्जा के मामले में,
है ना, जो हम आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा, वो देखना बाकी है। क्या इसका अगर प्रभाव पड़ता है जनजीवन पे, या गरीबों का उत्थान होता है, बेरोजगारों को रोज़गार मिलता है, महंगाई कम होती है, पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम होंगे जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इन बातों को देखना बाकी है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।